के बढ़ते प्रकोप के चलते पीएम मोदी द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के दमखोदा में चेयरमैन पति नसीम अहमद गरीब लोगों को लगातार राशन बांट रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने लोगों को राशन किट के साथ साथ मास्क भी वितरित किए। उन्होंने बताया कि वो अब तक करीब 100 गांवों में राशन बांट चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा में किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। गरीबों की मदद के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। आज जो हमने है करीब लगभग 8-9 गांव करे हैं और अब तक हमारे कम से कम 160 गांव से ऊपर पहुंच चुके हैं। और एक बहुत बड़ी ये मुहिम है जिसमें हम लोग मतलब फाइनेंशियली पूरी तरीके से जो पूरी ताकत है ताकत झोंक दी हमने, क्योंकि सरकार द्वारा जो आज से आप देख रहे हैं जो अन्न वितरण किया जा रहा था वो बंद कर दिया गया है, बल्कि जो क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है और उनके खाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए अब पहले केवल वो लोग थे जो लोग कुछ सरकार से मिल जाता था, कुछ लोग जो छूटे रहते थे बगैर राशन कार्ड धारक और लोग उनको हम बांटते थे। अब टोटल जो गरीब जनता है, मजदूर है, डेली कमाने खाने वाला है, हम सभी को सम्मिलित करते हुए लॉकडाउन में किसी को भूखा रहने नहीं दे रहे हैं और उसके यहाँ पूरी किट हम पहुँचा रहे हैं।